रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक नई गेम पब्लिश की है ऑन itch.io एलोन 2 के नाम से, और ये बहुत ही अच्छी गेम है। आदो के ये गेम पेड है, लेकिन आप अगर इंसान फैमिली का हिस्सा हैं तो आप इस गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। गेम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप इसको फ्री में जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ये गेम मैक और विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, और गेम जो है वो हॉरर गेम है, और फर्स्ट पर्सन कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। इसके कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लगा है, यानी प्लेयर की कंट्रोल्स और माउस सेंसिटिविटी वगैरह, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बहुत स्मूथ गेम प्ले है। मैं आपके साथ गेम प्ले पूरा तो शेयर नहीं कर रहा, अलबत्त आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर करें और अपना फीडबैक और रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर दें इस गेम के लिए, कि आपको ये गेम कैसी लगी। ये गेम 40 डेज़ के बहुत ही कम टाइम के अंदर डेवलप की गई है, और इसके अंदर ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इससे आप थोड़ा सा आइडिया लें कि आप किस तरीके से गेम को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से आप यूआई वगैरह उसकी डिज़ाइन करें। इसकी यूआई मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं सबसे पहले, और उसके साथ साथ ट्रांजिशंस बहुत अच्छी हैं। अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो राइट साइड से एक पैनल स्लाइड करता है, जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट जो आपने स्टेप्स करने हैं, फॉर एग्जांपल की को पिक करना है या बाकी चीज़ें, तो वो आपको नज़र आती हैं। और इसी तरीके से पॉपअप मैसेजेस जो हैं वो अपीयर होते हैं टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और वो आपको गाइड करते हैं कि आपने नेक्स्ट में क्या करना है। आल्सो इस गेम का मैप भी मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से एस्केप की प्रेस करें तो गेम पास हो जाती है, और साथ में आपके पास रिज्यूम, रिस्टार्ट, और इसी तरीके से क्रेडिट्स का पैनल भी आ जाता है और सेटिंग्स का पैनल भी आ जाता है। आप इसकी के ग्राफिक्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और माउस की सेंसिटिविटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्रेडिट्स का पैनल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके ऊपर हर चीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई है, जिसके अंदर डेवलपर्स के नाम हैं, टाइम ऑफ गेम कम्प्लीशन है, और इसी तरह से बजट है कि इस गेम पे कितना एक्सपेंस आया है, और ये कितने रुपयों में, यानी पैसों में जो है वो बनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। न्यू जो डेवलपर्स हैं हमारे दोस्त, और उनके लिए काफ़ी अच्छा एक, मैं कह सकता हूँ कि एक एग्जांपल है। एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छी है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ एसेट्स भी यूज़ किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी एनवायरनमेंट की तारीफ़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और डेफिनेटली जितने भी बड़े गेम स्टूडियोज़ हैं वो भी अपनी गेम्स के अंदर डिफरेंट एसेट्स को यूज़ करते हैं। असल चीज़ होती है उन एसेट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और उनको सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना। तो इसके अगर एनवायरनमेंट को आप देखें तो इसके अंदर जो टॉर्च लाइट है उसका इफ़ेक्ट है, पार्टिकल्स हैं, रियलिस्टिक फायर है, और ग्राउंड टेक्सचर्स वगैरह या जो हाउसेस के टेक्सचर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर पज़ल्स भी हैं, और आप डिफरेंट पज़ल्स को भी सॉल्व करते हैं, और पज़ल्स को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी हाउस को अनलॉक कर सकते हैं, और या फिर आप की जो है वो कीज़ वगैरह ढूंढ के जो है डिफरेंट कार्स, कार भी आपको मिल सकती है, और कार को पिक करके आप जो है वो अपने दोस्त के टाउन में जो है वो जा सकते हैं। तो आई होप कि ये गेम आपको अच्छी लगेगी। डेफिनेटली इसको हम बहुत AAA क्वालिटी गेम उस एस्पेक्ट से नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन या इसका गेम प्ले छोटा है, यानी आर्स पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि कुछ मिनट्स का होगा, लेकिन आपको इस गेम को से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको एक बिगिनिंग पॉइंट मिलेगा कि आप किस किस चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।